है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कहते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें फिर कुछ कमियां या बुराइयां धीरे धीरे आने लगी थी, इसी के बाद फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, आर्यों के जन, तो आर्य कबीलों में रहते थे और इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था, जो उनका मुखिया होता था उसी के नाम पे कबीला होता था, इन कबीलों को जन कहा जाता था। आज भी कहते हैं जनसंख्या शब्द, सुना आज 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस, तो जन। और वेदों में हमें आम जन शब्द सुने होंगे, वेदों में हमें पुरु जन, यदु जन, तुर्वस जन, भरत जन, यानी जो मुखिया का नाम होता था उसी हिसाब से जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी कहा जाता था, जनता, जनता शब्द सुना उसी जन से बने, उसे जन रक्षक कहा जाता था राजा को। एक जन में कई विष होते थे, विष मीन्स गांव, उसके मुखिया को विषपति कहते थे, कई ग्राम मिलकर विष बनते थे, ठीक है, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता जिसे आज प्रधान कह देते। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे, कुल या ग्रह के मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तो उसे जनपद में परिवर्तित कर दिया। तो देखिए जन शब्द जो है वैदिक शब्द है, आर्यों का शब्द है और वो आज भी प्रचलित है।